नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई, जहां AQI 500 पार कर गया और जहांगीरपुरी में 567 दर्ज किया गया। ठंड और धुंध के कारण IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी शून्य हो गई, जिससे 10 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। कोहरे के कारण दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर भी यातायात प्रभावित हुआ, लंबी जाम की भी स्थिति बनी रही। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के परभणी, जलगांव और धुले में रैलियां करते हुए आर्टिकल 370 और मुस्लिम आरक्षण पर गांधी परिवार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी भी आकर आर्टिकल 370 को फिर से बहाल नहीं कर सकती और राहुल गांधी की चार पीढ़ियां भी मुस्लिम आरक्षण की मांग नहीं कर सकती। 14 नवंबर को सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1316 रुपये घटकर 73944 रुपये पर आ गया, जबकि चांदी 2189 रुपये गिरकर 87558 रुपये प्रति किलो हो गई। इससे पहले सोने का दाम 75260 रुपये और चांदी का दाम 89747 रुपये प्रति किलो था। नेटफ्लिक्स के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के मेकर्स को रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान करने के आरोप में लीगल नोटिस मिला है। BBMF ने शो के एक सेगमेंट में टैगोर की विरासत को नष्ट करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। इस पर सलमान खान की प्रोडक्शन टीम ने भी सफाई दी है और लीगल नोटिस मिलने की खबर का खंडन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि केंद्र सरकार जनवरी से नीट और नेट जैसे बड़े प्रवेश परीक्षा में सुधार लागू करेगी। ये सुधार राधाकृष्णन समिति के सिफारिशों पर आधारित होंगे और जीरो एरर सिस्टम सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने राज्य सरकारों से इस पहल में समर्थन देने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदूषण और पराली जलाने के मामले में सुनवाई होगी, जिसमें पंजाब और हरियाणा सरकार से 10 दिनों का आंकड़ा शपथ पत्र के साथ दाखिल करने को कहा गया है। CAQM ने पंजाब के 2 सीनियर अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिवाली 2024 में प्रदूषण पर भी टिप्पणी करने का संकेत दिया है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी आकाशदीप सिंह और मोनिका मलिक की सगाई बुधवार को जालंधर में एक निजी रिजॉर्ट में हुई। दोनों की शादी 15 नवंबर को लांड्रा सरहिंद हाईवे पर स्थित एक रिजॉर्ट में होगी। आकाशदीप पंजाब पुलिस में DSP हैं और मोनिका भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं और दोनों ओलंपिक टीम का हिस्सा रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। बता दें कि उन्होंने छत्रपति, संभाजीनगर, पनवेल और मुंबई में चुनावी अभियान के तहत 3 जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे और इनके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। टीम इंडिया को बुधवार 13 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इतिहास रच दिया। इसी के साथ उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अर्शदीप भारत के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट विकेट में चटकाने के मामले में सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए। ITBP में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सहित अन्य विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार की उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार को 12वीं पास और संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा की डिग्री होना जरूरी है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 नवंबर 2024 तक है। इच्छुक उम्मीदवार ITBP की आधिकारिक वेबसाइट ITBPpolice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारत में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में। मौसम विभाग के मुताबिक ला नीना की वजह से उत्तर भारत और मध्य क्षेत्र में ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। फिलहाल उत्तर भारत के शहरों में सुबह धुंध और दिन रात के तापमान में अंतर बढ़ने लगा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024-25 सत्र के लिए विभिन्न PhD प्रोग्राम में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र 4 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस साल PhD प्रवेश नीट परीक्षा के स्कोर पर आधारित होंगे और सभी के लिए इंटरव्यू अनिवार्य है। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह से रंगदारी मांगने के मामले में दानापुर पुलिस ने बर्मेश्वर मुखिया के पोते कुंदन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। अक्षरा को रंगदारी मांगने वाली कॉल कुंदन के नाम पर रजिस्टर्ड नंबर से आई थी। हालांकि अभी तक इस मामले में रंगदारी मांगने के कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं, पुलिस जांच कर रही है।
कैरेबियाई द्वीप देश डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान किया है। ये सम्मान पीएम मोदी के कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को की गई मदद के लिए दिया जा रहा है। डोमिनिका ने इसे दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने वाला कदम बताया है। जम्मू के शेफाली जामवाल ने सिएटल में आयोजित मिसेज इनवर्स अमेरिका प्रतियोगिता में जीत हासिल की है, जहां उन्होंने स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रमुखता दी। अब वे अगले साल फिलिपींस में आयोजित विश्व मिसेज इनवर्स प्रतियोगिता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजेल डिसूजा के खिलाफ महाराष्ट्र के थाड़े जिले में डांस ग्रुप बी अनबीटेबल से 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। क्राइम ब्रांच ने दोनों से 6 घंटे तक पूछताछ की। ग्रुप ने एक डांस प्रतियोगिता जीतने के बाद अमेरिका गॉट टैलेंट में दूसरा स्थान हासिल किया था। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता और संस्थाओं के संस्थापक नेहरू जी के आदर्श और मूल्य हमेशा हिंदुस्तान की आधार स्तंभ बने रहेंगे। उन्होंने उन्हें लोकतांत्रिक प्रगतिशील और समावेशी नेता बताया। राहुल गांधी ने जवाहरलाल के योगदान को याद करते हुए देश के लिए उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण को सराहा। फिल्म निर्माता सुभाष घई ने एतराज के 20 साल पूरे होने पर फिल्म का सिक्वल एतराज 2 बनाने की घोषणा की है। घई ने बताया कि स्क्रिप्ट तैयार है और इनकी प्रोडक्शन कंपनी मुक्ता आर्ट्स इसे अगले 3 साल में पेश करेगी। प्रियंका चोपड़ा की बोल्ड भूमिका को सराहते हुए घई ने कहा कि उनका आत्मविश्वास ही फिल्म को यादगार बना देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जमुई बिहार में जनजातीय गौरव दिवस मनाने पहुंचेंगे और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए 6,640 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 11,000 परिवारों को नए घरों की चाबी सौंपेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का भी उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश में एंटी रेट्रोवायरल दवाओं